राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं भक्तों आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं संगीता शर्मा भक्ति भजन रिया के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो भक्तों, आज की वीडियो है कि लड्डू गोपाल जी को हम बिना नहाए जगा सकते हैं या नहीं। तो भक्तों, आप सबको पता ही है ये हमारे भगवान हैं। बेशक से हम बाल रूप में इनकी सेवा करते हैं, बच्चे के रूप में इनकी सेवा जरूर करते हैं, मगर हैं तो ये भगवान ही। तो हमें बिना स्नान करे हुए इनको नहीं जगाना चाहिए, मतलब कि बिना नहाए इनको हाथ नहीं लगाना है हमें अपने लड्डू गोपाल जी को। उससे कहते हैं कि हम तो जैसे अपने बच्चों की सेवा कर रहे हैं, तो ये भी तो हमारे बच्चे ही हैं, तो हम इनको क्यों नहीं जगा सकते बिना नहाए हुए। तो भक्तों, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। मैं तो ऐसा करती नहीं हूँ, बिना स्नान करे हुए मैं लड्डू गोपाल जी को कभी भी नहीं जगाती हूँ। तो आप भी ऐसा ना करें, बिना स्नान करे हुए लड्डू गोपाल जी को ना जगाएं, क्योंकि हमारे भगवान हैं, हमारे हैं, आराध्य है। क्योंकि हम रात भर बिस्तर पर सोते हैं और सुबह उठकर हम इनको ऐसे ही जगा दें बिना नहाए, तो ऐसे नहीं होता है कि हम ना नहाए ना धोए, बस अपना मुंह हाथ धो लिए और हम लड्डू गोपाल जी को जगा देते हैं और इनको दूध का भोग लगा देते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हम जब रात भर बिस्तर पर सोते हैं तो हम पवित्र नहीं होते हैं, क्योंकि रात भर सोच वगैरह भी जाते हैं और फिर बिस्तर पे लेट जाते हैं और सुबह उठ के हमें नहीं जगाना चाहिए लड्डू गोपाल जी को। मेरा कहने का यही मतलब है कि लड्डू गोपाल जी को बिना नहाए आप ना जगाएं। अगर आपके घर में आपसे पहले कोई और उठ जाता है, जैसे अगर वो नहा लेते हैं, आप उनसे जगवा सकते हैं, लड्डू गोपाल जी को जगा दें वो और आचमन वगैरह करा दें और दूध का भोग लगा दें, और जब आप नहा लें तो उसके बाद आप लड्डू गोपाल जी की अच्छे से सेवा करें, जो आप डेली में जैसे करते हैं उनकी सेवा, उस तरीके से सेवा करते रहें। आप स्नान करने के बाद फिर इनको लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दें, भोग वोग लगा दें, आरती वगैरह कर लें, ऐसे कर लेना चाहिए। अगर कोई बीमार वगैरह नहा नहीं सकता है, उसके लिए भी मैं आपको बता दूं आपको क्या करना है। जैसे आप उठ गए हैं तो उठने के बाद आप जैसे अपने कपड़े वगैरह, मतलब कि मुंह हाथ धो लीजिए, कपड़े चेंज कर लीजिए, सारे आपको कपड़े चेंज करने होंगे, और उसके बाद थोड़ा सा आप गंगा जल की छींटे ले लें और अपने ऊपर गंगा जल की छींटे दे के लड्डू गोपाल जी को आप जगा सकते हैं। जैसे बहुत से तबीयत खराब रहती है, बीमार रहती है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, कपड़े चेंज वगैरह करके लड्डू गोपाल जी को आप जगा सकते हैं और दूध का भोग लगा सकते हैं। और भक्तों, एक और कमेंट आया था कि मैम हम दो लड्डू गोपाल जी अपने घर में रख सकते हैं। हाँ जी, क्यों नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। आप दो लड्डू गोपाल रखिए, तीन रखिए, मगर हमें ध्यान सभी का रखना है। ये नहीं कि हमारे पास दूसरे लड्डू गोपाल जी आ गए और जो पहले लड्डू गोपाल जी हैं उनका हम ध्यान ना रखें, तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें सारे लड्डू गोपाल जी की बराबर ही सेवा करनी है, जैसे हम डेली में लड्डू गोपाल जी को पहले वाले लड्डू गोपाल जी, मतलब कि जो आप नए लड्डू गोपाल लाएंगे ना, जैसे आप उनकी सेवा करेंगे वैसे ही आपको जो पहले वाले लड्डू गोपाल है बिल्कुल सेम वैसे ही सेवा करनी है। ये नहीं है कि उनमें फर्क करना है, उनके ऐसे कपड़े बनवाने, उनको ऐसा भोग, तो देखो भोग की थाली तो आपको एक ही लगानी है। हमारे लड्डू गोपाल जी ये नहीं कहते हैं कि हमें अलग अलग भगवान, ये नहीं कहते हैं कि हमें अलग अलग थाली में खाना दें। आप जो उनके लिए भोग लाएंगे एक ही प्लेट में भोग लगाएं, तो हमारे सारे बच्चे एक ही थाली में खाना खा लेते हैं। तो मैं भी यही करती हूँ, जब मैं भोग लाती हूँ तो मैं अलग अलग नहीं लाती हूँ, बस ये दूध होते हैं तो छोटे छोटे बर्तन है उनमें मैं अलग अलग ले आती हूँ दूध, और नहीं तो भोग वगैरह जो खाना होता है या फ्रूट्स हो गए या ड्राई फ्रूट हो गए तो मैं एक ही जगह रखती हूँ, अलग नहीं रखती हूँ। तो भक्तों, आप लड्डू गोपाल जी भी दो रख सकते हैं, क्योंकि बहुत से कहते हैं कि हमारे पास बहुत पहले छोटे लड्डू गोपाल थे और उनका ना ठीक से मतलब श्रृंगार नहीं हो पाता, ड्रेस नहीं आती, तो आप ला सकते हैं, उनको भी रखिए। और ये भी नहीं करना है कि आप उनको किसी और को देना है, देना भी नहीं है। जैसे भाई हमारे बच्चे, हम अपने बच्चे किसी को देते हैं कि जो पहले था अब दूसरा हो गया तो पहले वाला किसी को दे दें, तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो आप पाप के भागी ना बने, हमें बहुत पाप लगता है ऐसे करने से। तो आप जितने लड्डू गोपाल जी आपको रखने हैं रखिए, मगर सेवा का आपको पूरा ध्यान रखना है लड्डू गोपाल जी का।
तो भक्तों यही है आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और भक्तों आज है एकादशी, इंद्रा एकादशी, तो आप श्रृंगार दर्शन कर लीजिए। ये हमारे केशव बाबू बैठे हैं, आज इन्होंने मुकुट नहीं लगाया, मैंने सिर्फ बाल लगा के इनके मोरपंख लगा दिया और काफी सुंदर लग रहे हैं और मुस्कुरा भी काफी रहे हैं। आप इनके फेस पे स्माइल देख सकते हो, पास से दिखा रही हूँ मैं आपको। और ये बैठी हैं साथ में केसवी, जो कि आज इन्होंने साड़ी पहनी हुई है और ये पल्ला थोड़ा सा इनका ऐसे हो गया है, तो ये इन्होंने पहनी हुई है साड़ी हमारी केसवी ने। और ये हमारे कृष्णा बैठे हुए हैं और उधर बैठी हुई है राधिका, राधिका ने भी साड़ी पहनी हुई है, तो ये इसी के अंदर अटैच है ये जो पल्ला है ये नीचे, और ब्लाउज इसका अलग है। तो अब वीडियो का यहीं पे एंड करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।